मेरी घरवाली ने मुझसे पूछा शादी से पहले क्या आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो या बाबा साहब से करते हो, तो मैंने कहा कि मैं मोहब्बत बाबा साहब से ज्यादा करता हूँ, तेरे जैसी बहुत मिल जाएगी, बाबा साहब जैसा नहीं मिलेगा। ना झूठे रिश्ते रखते हैं ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने दीन के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं। आज की तारीख में टक्कर सीधी समता सैनिक दल की आरएसएस के साथ है, थी और रहेगी। या तो इस मुल्क के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा रहेगी या ये कच्चे वाले रहेंगे, दोनों से एक ही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। मैंने कभी एक शेर कहा था, मुझसे पूछा नागपुर के दीक्षा भूमि पर कि राहुल नागपाल जी तुम में और इन आरएसएस वालों में क्या फर्क है, मंच का ध्यान चाहता हूँ कमले जी। मैंने एक शेर कहा था, मैंने कहा कि हम नीली निक्कर वाले हैं। कौन सी निक्कर वाले? नीली निक्कर वाले ना, हम नीली निक्कर वाले हैं, वो खाकी निक्कर वाले हैं, जिनके पास आजकल उधार की पैंट आ गई है मोदी जी की सरकार में। हम नीली निक्कर वाले हैं, वो खाकी निक्कर वाले हैं, हम बाबा साहब के बेटे हैं, वो बाबा साहब के साले हैं। इतना फर्क है। लोगों ने कहा राहुल नागपाल जी कोई गोली मार देगा, इतना कड़वा मत लिखा करो। मैंने कहा रिश्ते में भांजा लगता हूँ, भांजे से लोग बहुत प्यार करते हैं, कोई गोली नहीं मारेंगे। एक बार हमारे बुजुर्ग सीनियर साथियों ने मुझसे पूछा कि इस देश का दलित युवा आंदोलन में नहीं आ रहा। जब 2 तारीख को भारत बंद हुआ और 10 हमारे जवान साथियों ने अपनी जान आंदोलन के लिए दे दी, तो मैंने एक शेर कहा उनका शहीदों के लिए। मैंने कहा कि यू तो तेरे इश्क पर, लोग कहते हैं कि राहुल नागपाल प्यार मोहब्बत की शायरी करता है, कामले साहब ध्यान चाहता हूँ, जैसा ध्यान चाहता हूँ, मंच का ध्यान चाहता हूँ, मन चाहता हूँ कि यू तो तेरे इश्क पर जान भी कुर्बान है। मेरी घरवाली ने मुझसे पूछा शादी से पहले क्या आप मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या बाबा साहब से करते हो, तो मैंने कहा कि मैं मोहब्बत बाबा साहब से ज़्यादा करता हूँ, तेरे जैसी बहुत मिल जाएगी, बाबा साहब जैसा नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि यूं तो तेरे इश्क पर जान भी कुर्बान है, मगर भीम तेरे मिसर पर उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है, उसका इश्क भी कुर्बान है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद सीधा सीधा वक्ता को इनवाइट करता हूँ, युवा को 4 पंक्ति देता हूँ। आज के युवा में और पहले युवा में क्या फर्क है मान्य जोशी जी, कि पहले जब मेरे बाप दादे इन मनुवादियों के सामने से अपनी जूतियां हाथ में से लेकर के निकलते थे तो उनको खुशी होती थी, लेकिन आज का युवा, आज का बाबा साहब का बेटा जब मोटरसाइकिल पर 1 लाख की मोटरसाइकिल पर जय भीम लिख करके निकलता तो उनको दिक्कत होती है, समस्या ये है। मेरे बाप दादा इनकी चौकटों पर सर रगड़ते थे, लेकिन मेरा बेटा मेरा भाई की चौकटों पर सर नहीं रगड़ता। यहां से 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ आपसे, कि तुम्हारी चौखटों पे सर, बड़ी फेमस पंक्तियां मेरी, निवेदित करता हूं कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं है हम। अब हम उनकी चौकों पर सर रखने नहीं जाते, ये दर्द है उनके पेट में, कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं है हम। और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तो प्यार बंदूक हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं है हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं है हम। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद सीधा लेखराज गौतम जी तैयार है वक्ता के रूप में। इन्होंने कहा माने जोशी जी, इन्होंने कहा कि ये दलित समाज के लोग बाबा साहब के बेटे कब के बहादुर हुए हैं। मैंने जवाब दिया 4 पंक्तियों में, मैंने कहा 200 वर्ष पहले भीमा कोरे गांव में हमने दौड़ा दौड़ा के मारे थे, कोई दूसरा वर्ष था, हम जब भी बहादुर थे 200 वर्ष पहले। सहारनपुर के शक्तिपुर में मुंह और जवाब हमने दिया, हम ही थे वहां।
समाचार पहुंचाने निवेदित करता हूं शहीदों को, मिशन में हुए शहीदों को, कि हमारे वीरों की गाथा कोरेगांव सुनाता है, और हमारे खून के किस्से सहारनपुर बताता है, और ये बाबा के दीवानों की कहानी है, जरा सुन लो, तुम्हारी आंख से आंख कोई रावण मिलाता है, तुम्हारी आंख से आंख कोई रावण मिलाता है। अब मुझे लग रहा है कि मेरी 5-7 मिनट की कोशिश के बाद आप लोग सुनने की स्थिति में